प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू सरकार की योजनाओं की जागरूकता विषय पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। उन योजनाओं के संबंध में छात्र व छात्राओं को विस्तृत रूप से अवगत कराया जाए, जिससे वे जागरूक हो सके। हर जरूरतमंद के हित में शासकीय योजनाएं संचालित है, आवश्यकता है उन योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि छात्र हित में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित बुकलेट सभी प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराएं, ताकि वे उसके प्रति छात्र व छात्राओं को जागरूक करें। उन्होंने उन विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट बोर्ड परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु किए जा रहे अभिनव प्रयोगों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षक छात्रों को शासन द्वारा शिक्षा क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त कर आगामी पढ़ाई को और अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु प्रेरित करें और शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु छात्र व छात्राओं को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं में मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मिशन शक्ति इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रोजेक्ट अलंकार तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि के संबंध में छात्र व छात्राओं को समुचित जानकारी दी जाए, ताकि सरकार की योजनाओं से छात्र व छात्राओं व अभिभावक के मध्य जागरूकता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 चरणों में प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह सहित सभी विद्यालय के प्रधान आचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, उन योजनाओं को किस प्रकार से विद्यार्थियों के हित में वो क्रियान्वित कर सकते हैं, इसके लिए सोच सके, आज उसी के क्रम में हम सभी का सौभाग्य है आज की इस महनीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और विशेष अतिथि के रूप में जो सचमुच आज गुरु नानक देव जी का वह भाव चरितार्थ यहाँ हो रहा है, गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि तुम एक जगह मत ठहरो, जीवन में रहते रहना है, एक जगह नहीं ठहरना है। एक यशस्वी मुख्य विकास अधिकारी के रूप में आदरणीय जो अपने सीधो आनंद देव जी की वो पंक्तियाँ चरितार्थ हो रही हैं कि बहते रहो समाज जीवन के लिए, आज ही पता चला है कि वो अनेक स्थानांतरित हो गए हैं। उनकी जो कृतियां हैं मंडल के हम सबके मुखिया और सचमुच प्रदेश में एक सुयोग्य संयुक्त शिक्षा निदेशक के रूप में जिनकी पहचान है, मैं निवेदन करूंगा अपने जीवी साहब से मान हम और अनुरोध है कि हम सभी उसको मनसा वाचा करना अपने दायित्व का बोध करें और उससे जय हिंद जय। निश्चित रूप से जो कुछ भी यहाँ मिल रहा है हमारी गति और तेज होगी और लक्ष्य की ओर हम सब समर्पित होंगे। उद्देश्य आपका भी सेम है, हमारा भी सेम है, एक एसेट तैयार आप कर रहे हैं जो सोसाइटी में भविष्य में बहुत काम आएगा। बेसिकली एजुकेशन का तो उद्देश्य यही है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट एन एसेट ऑफ द सोसाइटी, जो आगे चल के समाज में निर्माण काम है। तो एक नया समाज वो तैयार करके देगा, बट वो एसेट जो आप तैयार कर रहे हो उनको कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या होती है, छात्रवृत्ति की समस्या होती है, कोई स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग आपको बेसिकली उस स्कीम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे आपके यहाँ स्कूल कॉलेजेस में हैं उनको ये सारी स्कीम्स पता हो, आपके माध्यम से पता हो। इनफैक्ट इसके बाद हम लोग एक और वर्कशॉप प्लान करेंगे आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि हर स्कूल्स में हर कॉलेज में कम से कम अराउंड 500, 1,000, 300, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये लोग भी छुट्टी में अपने गांव जाते हैं, तो दे कैन
वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर दिस स्कीम, क्योंकि सब कोई ना कोई गांव से रिलेटेड है और उनको अगर जानकारी होगी तो वो गांव में भी जब भी छुट्टी पे जाएंगे, अच्छा बाबा आपका ये नहीं है, ये स्कीम है, जाइए सीएससी सेंटर पे अप्लाई कर लीजिए। तो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको एक स्मार्ट आदमी तैयार करना है जो पढ़ा लिखा हो, जो और वेरी कॉन्फिडेंट हो, जिसको सब तरह की जानकारी हो, वो जिस फील्ड में जाए उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। हम आपको एक सिंपल इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। मैं सीडीओ गाजियाबाद था, तो हमारे यहाँ कोई स्कीम आया हुआ था रिलेटेड टू डे, तो हम लोग सरेंडर कर रहे थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था आईटी का, कनाडा में पढ़ रहा था, कनाडा में काम कर रहा था, उसके घर वालों ने यही कहा कि बेटा यही कुछ करो। तो वो एक दिन हमारे ऑफिस में आए, हम लोग अराउंड आधे एक घंटा डिस्कशन किए, हमने एक प्लान पॉली हाउसेज है, आप डेली स्कीम्स आप ले सकते हैं, वो सारे स्कीम समझा गया। उसने एक डेयरी खोला, वो बराबर आता था, बोलता था सर एक बच्चे भी बहुत अच्छा डेयरी हमने बनाया है, बट ठीक है उतना टाइम व्यस्त में मतलब कभी गया नहीं, मतलब सारे भी सपोर्टेड फ्रॉम ऑल एंगल, बट कभी मैं कभी खुद नहीं जा पाया। तो हमारे कमिश्नर साहब ने एक बार फोन करके कहा कि यार तुम्हारे यहाँ इतना डेयरी है, विल कम एंड सी। ठीक है, तो मैं भी पता कर रहा था कौन सा फेमस हेता डेयरी हमारे यहाँ, तो पता चला ये उन्हीं का डेयरी है, गिर गाय का डेयरी था, एंड पूरी NCR में वो बेस्ट मिल्क सप्लायर था, मतलब जो मिल्क की प्राइसिंग थी उसको उसने साइंटिफिक वे में लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये A2 कैटेगरी का मिल्क है, जो उसमें डायबिटीज नहीं होता है। वो 100 से 150 रुपया लीटर वो मार्केट में 1 लीटर का वाटर में सप्लाई कर रहा था, एंड बहुत प्रॉस्पेक्ट कम से कम 300-400 का है। तो बेसिकली आपने पढ़ा के उसको नौकरी नहीं दिया, आपने एक स्मार्ट आदमी तैयार किया पढ़ा के, जो डेयरी में भी गया, एग्रीकल्चर में गया, तो वो बेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का यही मोटिव है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोगों को दें, उसको सभी तरह का स्कीम्स के बारे में पता हो, सभी तरह की जानकारी हो, एंड आपसे बेटर उनको कोई तैयार नहीं कर सकता। आज बेसिकली सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था, बेसिकली जितने भी बच्चों से रिलेटेड स्कीम है इसकी जानकारी दी गई, और इसे भी यही अपेक्षा किया गया है कि जो गुड प्रैक्टिसेस आपस में कर रहे हैं शेयर करें, और जो सरकार की योजनाएं हैं, एक्चुअली में सरकार की योजना हर लेवल के लिए, तो जानकारी की कुछ अभाव है, कुछ जागरूकता का अभाव है। तो आज बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों ने यही अनुरोध किया है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, इसकी जानकारी ये बच्चों को दें, ताकि बच्चे भी जब गांव में जाएं, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको भी बताएं सरकार की क्या योजना है।